हेलो दोस्तों, फैक्ट एंड अनफैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिनों से आप ये न्यूज़ कई बार सुन चुके होंगे कि रशिया की तरफ से पाकिस्तान को डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल मिला है, जिसको लेकर पाकिस्तान भी अपना सीना पीट रहा था। पाकिस्तान के लोगों को तो छोड़ो, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तक ने ट्विटर पर ढिंढोरा पीटा था कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया और पाकिस्तान को रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल दिलवाया। हालांकि ये भी सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रशियन डिस्काउंटेड ऑयल को एक बड़े प्रॉमिस के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहा है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की जनता भी इसे एक बहुत ही बड़े प्रॉमिस का फुलफिल होना समझ रही है। पर ठीक है, अगर पाकिस्तान की सरकार एक ऐसी डील को कंट्री के लिए बड़ा प्रॉमिस बता रही है तो वो भी समझा जा सकता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि सब एक झूठ है। और अजीब बात है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक झूठा न्यूज़ का ढिंढोरा पीटते हुए पूरे ट्विटर पे बता रहे हैं, जहां पे सिर्फ उनके देश के लोग ही नहीं पर पूरी दुनिया झूठ को देख रही है। तो सच्चाई ये है दोस्तों कि पाकिस्तान को कोई भी डिस्काउंटेड रशियन ऑयल नहीं मिला है, और जो मिला भी है वो क्रूड ऑयल इंडिया में ही रिफाइंड होके पाकिस्तान गया था, जिसको जानने के बाद पाकिस्तान के लोगों को बहुत गुस्सा भी आया और वो अपनी सरकार के पीछे पड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ कि पाकिस्तान में इस बारे में क्या बात चल रही है। पाकिस्तान के डिफेंस के ऊपर तो पहले ही पूरी दुनिया नजरें जमाए बैठी है कि क्या हो रहा है। इनकी हुकूमत मुल्क नहीं संभालती, डिफेंस मुल्क संभालता है। इनके यहाँ जो है ना डेमोक्रेसी नहीं है, सेकुलर कंट्री नहीं है, बहुत सी बातें और भी सुनने को मिलती है। मगर अब एक चीज सामने है जिसके बाद पाकिस्तानी अवाम और किसी तरह तो सामने खड़ी नहीं हो पाई। आपके सामने ये कि इमरान खान के लिए खड़ी हुई तो क्या हुआ उनके साथ, और किसी तरह खड़ी नहीं हुई तो लोगों ने अपने जो है ना दिमागों का इस्तेमाल सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करना शुरू किया और मीम्स के सहारे गवर्नमेंट को हिट किया कि यार अब हम तंग हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। 16% डिफेंस का बजट बढ़ा दिया गया है, पहले ही 70% के आसपास था जो कि 16% और बढ़ गया है। और उसके बाद अवाम चीख चीख के मीम्स बना के बता रही है पूरी दुनिया को, अपनी हुकूमत को, अपने लोगों को कि उठो जागो, अब ऐसे नहीं चल सकता। आपने भी देखा होगा बैंकक्रप्ट होने के बहुत करीब है हम, क्या कहेंगे इन सारे सिनेरियोस में? जी, सारे सिनेरियो के बारे में तो मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि 16% अगर इंक्रीज किया है, और पहले भी मेरे ख्याल से 60% पाकिस्तान की आर्मी को इतना बजट जा रहा था, और पाकिस्तान की आर्मी का अपना भी एक बिजनेस चलता जो करीब 100 अरब डॉलर नहीं, शायद पाकिस्तानी रुपये हो गए 100 अरब, तो उसमें भी पाकिस्तान की आर्मी जो भी रिवेन्यू जनरेट करती है, चाहे वो प्लॉट बेच के करे और मुख्तलिफ कंपनियां उन्होंने चला रखी है, उसका जो भी रिवेन्यू आता है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान की आर्मी पे खर्च होता है। वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो आर्मी जो जितना कमाती है सब अपनी आर्मी पे लगा देती है। तभी तो पाकिस्तान की आर्मी देखी, अभी आपने अजरबैजान से ड्रोन लिए है, अटैकिंग ड्रोन लिए हैं, कहाँ से आ रहा है ये पैसा? पाकिस्तान के मुल्क के अंदर पाकिस्तान की आवाम को खाने को नहीं मिल रहा, पीने को नहीं मिल रहा, ऑटो के लिए लोग मर रहे हैं। और मुझे बताएं, रशिया से ऑयल आया है, बड़ी धूम थी कि रशिया से ऑयल आएगा, बड़ा मतलब यह है कि हमारा उनके साथ रिलेशन भी बेहतर होगा और ऑयल भी यहाँ पे सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। कितना कम हुआ है रेट, कितने कम हुए हैं ऑयल आने के बाद? रिलेशन तो वक्त पर जाते, अमेरिका का प्रेशर ना होता तो पहले चले जाते, जैसे खान साहब गया थे, ठीक है, रिलेशन तो बेहतर हो गए थे। अच्छा, तो ये पेट्रोल कितना सस्ता हुआ है? कहाँ सस्ता हुआ, उनके वो बयान भी आ गए, आपको पता है? बिल्कुल बिल्कुल, उनके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके किन्होंने बयान दिया? उन्होंने ऑफिशियल बयान दे दिया कि हमने कोई सस्ता नहीं दिया, ये सब प्रोपगंडा है, इलेक्शन आ रहे हैं, सब कुछ पता है लोगों को, सारी चीजों को पता है, आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक हो गया, तो ये साथ है, अगर ये मैं एक बात ये है कि ये साथ ही हमारे ईरान है, कोई दूर नहीं है, वहां से तेल सस्ता पड़ेगा, बड़े आराम से वहां से ले सकते हैं, लेकिन वहां से नहीं लेना हमने, हमारा आका नाराज हो जाएगा। नहीं, वो तो इस्लामिक कंट्री है, जो मतलब हमें बताया जाता है कि इस्लामिक कंट्री सारे यूनाइटेड हैं, ओआईसी में सबका ग्रुप है, ये है वो है, तो हम उनके साथ क्यों नहीं ट्रेड कर रहे? वैसे ट्रेड हर एक के साथ करनी चाहिए, लेकिन उनके साथ क्यों नहीं कर रहे? वो इसलिए नहीं कर रहे कि आका नाराज हो जाएगा हमारा। आका मतलब अमेरिका, और कौन? अमेरिका, तो एक तरफ हम अमेरिका को दुश्मन कहते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका को आका। एड भी तो वहीं से ही आती है ना, जो हमारे ऊपर बैठे हैं, जो मुसल्लत हुए हैं उनको एड भी वहां से आती है। अच्छा, तो सबको पता है, आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। ईरान से इंडिया भी ले रहा था, कितने देर लिया, प्रेशर भी था, लेकिन लीडरशिप अब आ गई,
वहाँ इंटरफेरेंस नहीं है, वहाँ फैसले वहाँ जमहूरियत के हिसाब से पार्लियामेंट के अंदर होते हैं। तो ईरान से चाइना भी ले रहा था, उनके ऊपर भी कोई अभी भी इवन ले रहा है, चाइना तो अभी भी ईरान से ऑयल ले रहा है। लेट्स सपोज रशियन ऑयल की बात करते हैं, क्या पाकिस्तान में उस लेवल की रिफाइनरीज हैं, उस लेवल की टेक्नोलॉजी मशीनरी है कि वो रशियन ऑयल को रिफाइन कर सकें? उसे कुछ भी नहीं है। तो फिर ये सब ड्रामा है। हमने लिया ऑलमोस्ट 64-65 रुपीस डॉलर के हिसाब से हमने जो ये लिया है, लेकिन इसके ऊपर हमने रिफाइन करवाना, ये तो फिर हमें उसी कॉस्ट पे पड़ गया। और पहले ही कौमी खजाने में कुछ नहीं रिफाइन कार से कराना है, ये एक ट्रॉफी ड्रामा खेला गया जी, ये होगा फलान होगा, आगे तो आपको पता है इलेक्शन आ रही है, ये इलेक्शन की वजह से सारा प्रोपेगंडा हो रहा है और होना कुछ भी नहीं है, आपको पता है, सबको पता है। जब नई नई रशिया यूक्रेन की वार हुई थी, मैं जानना चाहता हूँ कि पब्लिक क्या सोच रखती है इस मामले में। रशिया यूक्रेन की वार स्टार्ट हुई उस टाइम पे रशिया पे प्रेशर था कि कोई ऑयल ना ले, सैंक्शंस थी, ठीक हो गया। उस टाइम पे जिन कंट्रीज में लिया उन्हें डिस्काउंट भी मिला, रिलेशन भी बेहतर हुए, तो क्या पाकिस्तान उस टाइम पे अगर ले लेता? हाँ, उस वक्त स्टैंड लेना चाहिए था, जहाँ एक चीज प्रोडक्ट आपको सस्ती मिली, आपने अपने मुल्क के लिए सोचना है ना। आपने किसी को अमेरिका को कितनी दूर खुश किया आपने, कितने अरब डॉलर हमारा दहशत गर्दी के ऊपर, उसने फिर भी कहा डोमोर, ठीक है डोमोर का बिल्कुल कहा, वो तो खुश होते ही नहीं है, उनका तो मतलब वो कहते हैं कि तबाही हो जाए, तो बर्बाद हो जाए, और उन्होंने कर दिया बर्बाद। तो हम बेवकूफ हैं, हम बेवकूफ हैं, हमने अपने ऊपर ये इल्ज़ाम भी लिया, टेररिज्म का जो उनसा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया, रिलेशन अपने अफगानिस्तान से ख़राब कर लिए, आज इकानमी हमारी डाउन है, अगर कोई काम करना पड़ता है वो आपके बकौल कि हमें वो अमेरिका आका से पूछ के करना पड़ता है। तो हम बेवकूफ़ हैं, हम ये चीज़ें क्यों नहीं समझते? हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम लालची हैं, हम गुलाम हैं, बेसिकली बात यह है सारी, जो यहाँ से जो गुलामी है ना वो इंसान को किसी काम का नहीं छोड़ते, सारे इनके जो मफाद हैं वो बाहर हैं, उनको पता है आज हम आगे खड़े हो जाएंगे अमेरिका के, जो उनकी बात ना मानी तो क्या होगा, पाकिस्तान को कुछ नहीं होना, इनको अपना नुकसान होना बिल्कुल ठीक है। अच्छा इंडिया की अगर बात करें 1947 में वो भी आज़ाद हुए, मतलब गुलामी से सर जमहूरियत देखनी है ना, ये साथ ही इंडिया बैठा हुआ, हम उसको दुश्मन मुल्क कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, देखें आज कहाँ तरक्की कर गए, आईटी में कितने अरब कमा रहे हैं, वो कैसे गया? बात ये है, ये हर एक ये कहता है सर कि वो ऐसे गया ना कि उनके अंदर मुदाखलत कोई नहीं कर सकता ना, किसी की जरूरत नहीं है उनके पार्लियामेंट के अंदर कोई मुदाखलत करे, ठीक है अब जो मैं कह रहा हूँ आप समझ जाएंगे, ठीक हो गया। हमारे यहाँ पे ये चीजें आ सकती हैं कि नहीं आ सकती? सर वो तब आएंगी जब ये कौम अपने पाँव पे खड़ी होगी, कहेगी कि हमने अपने फैसले खुद करने हैं, ये जब तक ये कौम के अंदर शोर नहीं आएगा, हम बटे हुए हैं सियासी पार्टी के अंदर, हम सूबों के अंदर बटे हुए हैं, जब तक ये नहीं आएगा अवेयरनेस नहीं आएगी, अवेयरनेस ही नहीं आएगी जब तक हमें सही तरह, हमारा मीडिया भी ठीक तरह से नहीं बताता ना, ये भी बात है, जो सबसे नेगेटिव रोल है इस टाइम वो मीडिया का है, ये मीर जाफर मीर सादक बैठे हुए, उनको पैसे मिल रहे हैं, वो सही रिपोर्टिंग कर रही है, उसके अंदर थोड़ा सा चले ठीक है, आपकी बात ठीक है, मीडिया का रोल है अच्छी खबर, मतलब जो ऑथेंटिक खबर है सच है वो नहीं दिखाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा माहौल बन चुका है जो सच दिखाता है उसे झूठ कह दिया जाता है, उसे कह दिया जाता है ये किसी एजेंडे पे काम कर रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ये एजेंडे भी काम हो रहा था ना पिछले 3.5 साल, ठीक है। वो खान साहब की एक यहाँ पे पता नहीं कितने फिर रहे थे, महंगाई कितनी होगी, महंगाई कितनी होगी, अब कोई नहीं आता यहाँ पे पूछे, यूट्यूबर फिर रहे होते हैं यहाँ पे, बेसिक एक प्रोग्राम को जब ये मंसूर अली खान, ये पता नहीं कितने प्रोग्राम किए खान के दौर में, जी कितनी महंगाई होगी देखें, लुट गया बर्बाद हो गए, अब नहीं आते। इंटरनेशनल कंट्रीज हमें इस टाइम पे किस नज़र से देख रही हैं आपके ख्याल में? इवन बांग्लादेश की बात करें वो किस नज़र से देख रहे हैं? भिखारियों के जिस नज़र से देखा जाता है उसी नज़र से देख रहे हैं, किसे हमें और क्या, कशकोल लेके फिर रहे हैं, कभी किसी मुल्क जा रहे हैं, कभी किसी, हमें खुदा का वास्ता में भीख दे दो बर्बाद हो, कोई अपना ही पैसा ले आओ पाकिस्तान, मईशत भी ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिछले पूरे वीक में क्रूड ऑयल की बड़ी जो है वो इस पे खबरें चल रही थी कि पाकिस्तान ने क्रूड ऑयल खरीद लिया है, और हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी ये ट्वीट किया गया, ऑफिशियल्स की जानिब से भी ट्वीट आया कि हमने डिस्काउंट रेट पर इस क्रूड ऑयल को रशिया से ख़रीद लिया है, जिस पे इमरान खान बहुत अरसे से कोशिशें कर रहे थे, और मतलब पाकिस्तानी आवाम बड़ी खुश हो गई थी कि हमें डिस्काउंट रेट पर जो है ये क्रूड ऑयल मिल रहा है। और दूसरी जानिब हमने देखा कि अब जो है वो कुछ आर्टिकल्स हमारे सामने आए हैं, और रशिया के जो मिनिस्टर हैं एनर्जी के, उनकी भी एक स्टेटमेंट हमारे सामने आई है, हम तमाम आर्टिकल्स को सामने रखते हैं, इनके वॉइस ऑफ अमेरिका का आर्टिकल है, और उसके अलावा जो स्टेटमेंट रशिया की जो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है उसको भी हम सामने रखते हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को डिस्काउंट रेट पर जो है वो रशियन ऑयल नहीं दिया, और वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी यही कहा कि रशिया ने पाकिस्तान को सस्ते दामों क्रूड ऑयल नहीं दिया, जबकि
इंडिया ये एक और बात भी क्लेम कर रहा है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जावेद साहब आप इस बात का जवाब दीजिएगा कि जहां पर इंडिया जो है सेंट्रल पावर बनता जा रहा है, टाइम था इंडिया पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना इंडिया को करना पड़ रहा था क्रूड ऑयल के मामले में, और हम पाकिस्तानी यानी कि आप लोगों के तो नेबर्स ही हैं, और हम लोग यही चाह रहे थे कि हम लोग सस्ते दामों जो इंडिया ने किया है हम भी सस्ते दामों ख़रीद लें, लेकिन अभी तक हमें कोई खातिर ख्वाह जो है वो चीज़ें सामने नहीं आई थी, जबकि लास्ट वीक यानी कि कुछ दिन पहले आ गई चीज़ें सामने और हमने सस्ते दामों इसको ख़रीद कर अपना नाम रोशन कर दिया, लेकिन आज जो है वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जियो पॉलिटिक्स में हर मुल्क अपना इंटरेस्ट देखता है, लेकिन क्रूड ऑयल के केस में एक बहुत बड़ी एग्जांपल जो हमने देखी कि हमने देखा किस तरह से एक साल और तीन मंथ्स पहले जब से वार स्टार्ट हो गया रशिया और यूक्रेन के बीच में, किस तरह से यूएस और यूरोपियन कंट्रीज लगातार बोलने लगे कि रशिया से ट्रेड मत करो, लेकिन इस सब के बावजूद एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे मैं ये छोड़ के जाता हूँ, वो ये है कि हमारा जो मुल्क है हिंदुस्तान, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, जो क्रूड ऑयल का जब इतना बड़ा यहाँ पे सवाल उठे तो उन्होंने इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया रशिया से, तो जो रिसर्चेस हैं, जो अभी तक रिपोर्ट्स हैं, वो अब क्या बोलते हैं? मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, तो कौन है जो सबसे ज्यादा हमारे कंट्री इंडिया से ज्यादा हमारा जो है बायर बन चुका है? इस सब के चलते जो है हम कितने सवाल खड़े होते हैं कि रशिया और यूक्रेन वाल को ऑलमोस्ट एक साल और तीन मंथ्स हो गए हैं, लेकिन आज भी दोनों साइड से जो है वो वार खत्म नहीं हो रहा है। एंड 2022 को जब रशिया ने मिलिट्री इन्वेजन किया, तब से लेकर आज तक बहुत सारे इवेंट्स हो गए। इस सब इवेंट्स के चलते रशिया की इकोनॉमी के साथ साथ पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे और आपके मुल्क को भी इफेक्ट हो गया, और यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज जो हैं उन्होंने रशिया पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सैंक्शंस कर दिए ताकि रशिया को जो है कंट्रोल किया जाए, जिनमें रशियन ऑयल इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन सबसे अहम था, राइट? रशिया की जीडीपी में जो है क्रूड ऑयल और गैस एक्सपोर्ट्स जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, इसीलिए जो है यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहा कि वो बैन करे, सैंक्शन करे और रशिया की इकोनॉमी को खत्म कर लें, राइट? इवन प्राइस का भी इम्पोज किया गया। बट इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस क्या है यहाँ पे, कि ये जो कंट्रीज हैं जिन्होंने रशिया पर इम्पोजिशन बैन लगा दी, ये कंट्रीज जब बैन के बाद जब इन कंट्रीज का चूंकि हाफ ऑफ द वो जो इंपोर्ट करते थे क्रूड ऑयल वो इसी रशिया से करते थे, अब जी यहाँ पे बात आती है मेरे मुल्क की हिंदुस्तान की। अब हिंदुस्तान का रोल जो है वो बहुत बड़ा एक स्ट्रैटेजिक हमारी कंट्री को बोला ही जाता है कि एक ये बड़े जबरदस्त फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजिक अफेयर चलाते हैं, तो हमारे मुल्क ने जो है धीरे धीरे हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो 85% की रिक्वायरमेंट है, हमें चाहिए क्रूड ऑयल, तो हमने जो है देखा कि रशिया का जो है इस टाइम कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और हमारे जो स्ट्रैटेजिक टाइज हैं उनके साथ, तो हमने वहां से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। अगर आप देखोगे इन वार, इन दो कंट्रीज के वार से पहले जो है हम 0.2% लगभग या 2% तक इंडिया एज ए कंट्री इनसे इंपोर्ट करती थी क्रूड ऑयल, राइट? लेकिन अभी के डेट में ये राइज हुआ है 20-28% तक। अब यहाँ पे सवाल है, आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उन्होंने ट्वीट कर दिया, उन्होंने ट्वीट क्या किया, उन्होंने बोला कि जी देखिए मैं जो है कार्गो शिप हो रही है, अब हमें डिस्काउंटेड रेट्स पे जो है रशिया दे रहा है ऑयल। ये सरासर झूठ है, खुलम खुला झूठ है। मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ और इस सब के पीछे में क्या रीजन, मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान की बात क्यों कर रहा हूँ? देखिए इंडिया जो है, इंडिया एज ए कंट्री अगर आप देखोगे अभी के डेट में, यूएस भी हम पे डिपेंड है, क्योंकि यूएस अभी के डेट में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट उठाइए और आप देख लीजिए कि यूएस हैज बिकम द लार्जेस्ट बायर परचेज ऑफ ऑयल रिफाइंड फ्रॉम इंडिया। वो हम पे डिपेंड है, आप किस चीज पे, उनको जेट फ्यूल चाहिए वो इंडिया से ले रहे हैं, उनको पेट्रोलियम चाहिए वो इंडिया से ले रहे हैं। अब इससे पहले अगर आप देखोगे कुछ टाइम पहले जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से जब मुलाकात हुई, उन्होंने उनको बोला कि नहीं जी देखिए वी हैड पुट सैंक्शंस ऑन
रशिया आपने जी गलत कर लिया, आप उनसे कैसे यू नो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हो। बट हमारे मुल्क की जो ये स्ट्रैटेजी थी और बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि हमारे मुल्क को दो चीजें पता थी कि उनको ये पता था कि जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने सैंक्शन लगाए रशिया पे, रशिया की ऑयल पे, और जो यूएस है, इन दोनों को शॉर्टेज होगा, और इस शॉर्टेज के चलते पूरा जो एशिया है, एशिया में भी प्रॉब्लम होगी। हमारे एशिया में आपकी कंट्री भी आती है, और वो उनको कहाँ से मिलता है, वो तो खुद IMF और उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, उनको कहाँ से मिलता था। लेकिन मेरे मुल्क को पता था, इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने धीरे धीरे स्ट्रेटेजिक इस अपॉर्चुनिटी को, पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी को कैटर किया। उन्होंने देखा, उनको पता था कि नहीं जी हम करेंगे, रशिया का इस टाइम कोई नहीं ले रहा है, और हमारा जो हमारे इंडिया की जो नीड थी, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे हम लोगों के लिए, जो हमारी गवर्नमेंट की को नीड थी कि हम मुझे अपने लोगों के लिए ऑयल लाना है, उन्होंने जी रशिया के साथ जो टाइज की जो MOU साइन हुआ वो ये हुआ कि हम आपको डिस्काउंटेड रेट पर देंगे। तो रशिया ने हमारे साथ जो साइन किया कि वो 60 USD पर बैरल जो है वो इंडिया को देगा। तो अब जी जो आज की बात है, जो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जिसमें आपके प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो उठ के ट्वीट कर लेते हैं, और उसको पता भी नहीं है कि मैं जो ट्वीट कर रहा हूँ ये अगेंस्ट जाएगा वॉइस ऑफ अमेरिका। क्या कोई भी रिपोर्ट आप उठा कर लीजिए, दे आर सेइंग कि ये पूरा लाई है। और इसके बाद आप देखिए रशिया का क्लेम क्या है। देखिए रशिया ने क्लैरिफाई किया, रशिया ने क्या क्लैरिफाई किया, रशिया क्लैरिफाइड दैट पाकिस्तान डिड नॉट रिसीव एनी स्पेशल डिस्काउंट यू नो ऑन द परचेज एग्रीमेंट। फिर क्या हुआ, इंस्टेड इट हैज अग्रीड टू टेक चाइनीज यॉन एज ए पेमेंट, चाइनीज का जो करेंसी है यॉन एज ए पेमेंट, क्योंकि यूएस के उस पर तो होगा नहीं, तो सैंक्शन उन्होंने लगाए हैं। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, आपके जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ बोला कि मैं जी डिस्काउंट रेट पर ला रहा हूं। और यहां पे अब जो न्यूज़ है, अब जो डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी बात, जब आप इन चीजों को, जब जियोपॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं आज की डेट में दुनिया के अंदर, आप देख लीजिए यहाँ जब से सैंक्शन लगी है, यूरोपियन यूनियन जो थे, जो यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज थी, वो मोर देन हाफ जो ऑयल आता था वो डिपेंड थे रशिया पर, राइट, वो रशिया पे मोर देन हाफ ऑयल पे। लेकिन यूक्रेन को के सपोर्ट में उन्होंने सैंक्शन लगा दिए कि इनकी इकोनॉमी खत्म हो जाए, लेकिन उसके चलते उनको ये पता नहीं था कि वो इंडिया को क्रिटिसाइज करते थे, उनको ये पता नहीं था कि हम इन्हीं के पास फंस जाएंगे। अभी आप जितने भी रिपोर्ट्स उठा के देखोगे आपको ये पता चलेगा कि जो यू नो इंडिया है, इट इज नाउ सेलिंग ऑयल, रिफाइंड ऑयल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें आपका US भी है, इसमें इसराइल भी है, इसमें पुर्तगाल है, इसमें आपका बेल्जियम है, इसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन सबों को जो है इंडिया अब सेंड कर रहे हैं ऑयल। तो जाहिर सी बात है, माना यह जा रहा है कि जो पाकिस्तान को, देखिए पाकिस्तान और रशिया के बीच में कुछ MOU साइन हुए होंगे, या IMF का जो है एक रोल है, क्योंकि IMF एक वेस्टर्न पार्टी है, वो भी चाहते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को जो है इकोनॉमिक क्राइम स्ट्राइफ कंट्री है, इकोनॉमिक से पाकिस्तान आपकी कंट्री में तो रहा ही नहीं है कुछ इकोनॉमिक्स का, किस तरह से उस कंट्री को इकोनॉमिक से बाहर निकालें। उन्होंने रिपोर्ट्स ये हैं कि ये जो पाकिस्तान को ऑयल चला गया है संडे को, बिल्कुल गया है, ये इंडिया से ही बना हुआ है। लेकिन अब रशिया जो है, रशिया ने शर्तें रखी हैं आपकी कंट्री को, रशिया ने शर्तें रखी आपके प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट में नहीं देखा था, रशिया ने शर्तें ये रखी थी कि आपको शरायत कंडीशंस प्री कंडीशंस ये हैं कि आपको ये ऑयल इंडिया से लेना पड़ेगा, लेकिन इंडिया बस एज ए कंट्री खुद उनको इंडिया नहीं दे सकता था। तो रशिया की स्ट्रेटजी होगी, तो इंडिया जो है ये सेल करता है UAE को, इंडिया सेल करता है डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज को, क्योंकि इंडिया इस टाइम में तीसरा सबसे बड़ा जो है एक्सपोर्ट करता है या इंपोर्ट भी करता है, क्योंकि हमारी जो नीड है वो 85% हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल को, और फिर एक्सपोर्ट हम करते हैं सबसे ज्यादा इस टाइम जब से ये क्राइसिस हो गई, जब से वार हो गया बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया के द्वारा। तो बोला ये जाता है कि इंडिया ने जो ऑयल एक्सपोर्ट किया है UAE को, वहां से UAE ने दिया है किसको, पाकिस्तान को। तो कंडीशन ये थी कि पाकिस्तान को कोई डिस्काउंट रेट पर नहीं मिल रहा है, पाकिस्तान को बराबर पैसे देना है लेकिन चाइनीज करेंसी में देना है, क्योंकि US और बाकी जो ममालिक हैं उनको तो एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि उन्होंने सैंक्शन लगाए हैं। अब इंडिया को फायदा यहाँ पे ये था, देखिए हमारे मुल्क की एक स्ट्रैटेजी बड़ी जबरदस्त, गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी, उनको पता था कि फिस्कल डिफिसिट से भी निकलना है, और हमारा नीड भी है कंट्री के अंदर भी कि यहाँ पे हमें अपनी इकोनॉमी को भी देखना है। तो अभी के डेट में वी आर बिकमिंग द बिगेस्ट, हमने को भी सोचा भी नहीं था कि इंडिया इतना ज्यादा आगे जाएगा, और इस टाइम पे हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट ऑयल करते हैं और US को करते हैं, मतलब दुनिया की सबसे जो पावरफुल कंट्री अपने आप को बोलती है उनको भी हम ही देते हैं, उनको हम ही पेट्रोलियम और VOG जो है क्रूड ऑयल, ये सॉरी
डीजल जो है या जेट फ्यूल जो है वो इंडिया ही प्रोवाइड करते हैं। तो बोलना ये है कि रशियन के जो मिनिस्टर फॉर एनर्जी है उन्होंने साफ क्लेरिफाई किया कि देयर इज नो रिड्यूस्ड प्राइसिंग फॉर पाकिस्तान। हम तो पाकिस्तान को बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं रिड्यूसिंग प्राइस, बिल्कुल भी कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। अब आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उनका तो अक्सर है, मतलब ही गोज ऑन टू लाई एट एवरी प्लेटफॉर्म, क्योंकि बेचारे को पता ही नहीं है कि कंट्री तबाह हो रही है, इकोनॉमी खत्म हो रही है, और उसको ये इलेक्शन, दूसरे रिपोर्ट्स ये भी है कि इट कुड बी, मेरी एनालिसिस भी है कि एक इलेक्शन ट्रेंड है, क्योंकि उसको लगता है कि शायद मे बी इनकमिंग टाइम में इलेक्शन होने वाला है। और जिस तरह से आपके प्राइम जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो आए दिन बोला करते थे अपने स्पीच में कि अगर मैं आऊंगा तो किस तरह से मैं रशिया के साथ नेगोशिएट, उन्होंने वहां पे विजिट भी किया था कि मैं रशिया के साथ जो है बातचीत करके अपने मुल्क को जो है ऑयल लाऊंगा, क्रूड ऑयल लाऊंगा, फिर रिफाइनिंग के लिए उनको आना ही आना हिंदुस्तान है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर पूरी दुनिया में अभी इंडिया जो है इट इज द रशिया भी करता है, लेकिन हिंदुस्तान में दो इंडस्ट्रीज हैं, एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज और एक है नायरा इंडस्ट्रीज, दोनों गुजरात में हैं, और ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, दो इंडस्ट्रीज हैं और इंडियन इंडस्ट्रीज हैं जो पूरी दुनिया को, दुनिया में जितना भी रिफाइंड ऑयल जाता है वो इंडिया से जाता है, वो हमारे गुजरात से जाता है, वो इन दो इंडस्ट्रीज से जाता है। और बोला ये जाता है जो आपको भी अभी आया इस संडे को, जो आप तक भी कराची तक भी ये ऑयल पहुंचा है वो यहीं की रिफाइनरी से निकला है, क्योंकि अभी की डेट में वी एज ए कंट्री वी आर प्रोवाइडिंग ऑयल, रिफाइंड ऑयल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वेस्टर्न कंट्रीज को हम अभी, आप देखो जितने भी आपको रिसर्च उठाने पड़ेंगे, आप ब्लूमबर्ग का वो एक रिसर्च पेपर उठाओ, उन्होंने किस तरह से कैटेगरी के लिए लिखा है कि इंडिया एक की रोल अदा करता है इस टाइम, इंडिया इज बिकमिंग नाउ ए हब, इंडिया का एक अहम रोल होगा आने वाले सालों में पूरी दुनिया के अंदर, जब इंडिया भी जो है पेट्रोल मैपिंग पर या ऑयल मैपिंग पर जो है इंडिया की बात रखी जाएगी। तो बदलते समय के साथ हम भी बदल रहे हैं, लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो झूठ बोला उसको टोटल इनकार किया गया। चलता है ऐसा वो बोल सकते हैं क्योंकि कंट्री स्ट्राइप हिट है और उनको नहीं बोलना चाहिए था, बट वो बोलते हैं हाँ रशिया ने जो है डिस्काउंटेड रेट पर एक ही मुल्क को दिया है और वो इंडिया है, इंडिया को डिस्काउंटेड रेट पर मिला है, इंडिया ले रहा है, और इंडिया इस टाइम रशिया को दुनिया का सबसे बड़ा जो बायर है क्रूड ऑयल का वो हम है, वो इंडिया है, और इंडिया को रिक्वायरमेंट भी है, और इसके साथ साथ हमारी जो है दुनिया की सबसे बड़ी दो इंडस्ट्रीज यहाँ पर हैं जो रिफाइन करते हैं इस ऑयल को और फिर हम बेचते हैं बाकी ममालिक को। अच्छा देखिए एक और बात है, सबसे बड़ी जबरदस्त बात है, जब ये लोग इंडिया की सैंक्शंस की बात करते थे, पता है यूरोपियन यूनियन और जो यूएस है ये बोलते थे कि इंडिया को भी सैंक्शन लगाओ, अब इंडिया एप्लीकेबल नहीं था क्योंकि हम लोग तो उनकी हिस्सा है नहीं, इंडिया ने कभी अलाइन किया ही नहीं किसी कंट्री के साथ या किसी ब्लॉक के साथ। तो अब वो लोग ये बोलते थे कि नहीं, इंडिया पे क्रिटिसाइज करते थे यू कैन नॉट, कई बार हमारे फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू में एक सिक्योरिटी चीफ जो यूरोपियन यूनियन का है फॉरेन पॉलिसी का, उन्होंने बता दिया कि इंडिया पे सैंक्शंस होने चाहिए, इंडिया पे यू नो स्ट्रांगली हमें रिएक्ट करना चाहिए, व्हाई इज इंडिया यू नो परचेजिंग क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया, लेकिन उनको पता नहीं था कि दो तीन महीनों में समय ऐसे चेंज होगा कि हमें इंडिया से ही लेना पड़ेगा। तो अभी के डेट में जो है आप टॉप कंट्रीज को देखें वो हमसे ही ले रहे हैं, वो आप डायरेक्टली तो रशिया से नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनको पता है रशिया पे तो सैंक्शंस है, वो मजबूर हो गए, लेकिन उनको पता है कि इंडिया से ही हमें हेल्प मिल सकती है, वो इंडिया से यूएस भी ले रहे हैं। और अभी रिपोर्ट देखिए कि यूएस जो है सबसे ज्यादा सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो हमसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं अभी के रेट में, अगर अमेरिका किसी से एक्सपोर्ट करता है जेट फ्यूल या पेट्रोलियम या गैसोलीन वो इंडिया से कर रहा है। तो सरासर झूठ था जो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा और उसको डिफाई किया। देखिए हम तभी बोल सकते थे ना जब रशिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया होता। अब रशिया ने क्या किया, वहां के जो मिनिस्टर फॉर एनर्जी मिनिस्टर है उन्होंने बोला नहीं 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 ये पूरा बिल्कुल झूठ है, हमारा इसमें कोई ये नहीं है, हम कोई प्राइसिंग कोई यू नो रिड्यूस प्राइस नहीं दे रहे, हम कोई डिस्काउंटेड प्राइस नहीं दे रहे, लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर है वो कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब अगर बात की जाए ऑयल की तो रशिया के साथ ऑयल इमरान खान की हुकूमत में बहुत बड़ा फसाद खड़ा कर दिया गया था इस बात पे कि रशिया से ऑयल हम क्यों लें, अब उसी रशिया से ऑयल आ रहा है, इस पे भी अवाम बहुत धो रही है हुकूमत को कि अब क्या वो जो ऑयल है अब वो मुसलमान हो गया, अब वो पाक साफ हो गया, और वही ऑयल पता चला है कि इंडिया के गुजरात से रिफाइन होके फिर यूएई पहुंचा और यूएई से हमारे पास आया, ये क्या माजरा है, बीइंग इंडियन किस तरह देख रहे हैं इसको। जी 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 मैं यही बताने वाला हूँ आपको, लेकिन इससे पहले जो आपका जो सवाल था ना इससे पहले वाला मैं उस पर रहता हूँ थोड़ा सा। अभी जैसे आपके इशाक डार जो वजीर खारजा है फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बिल्कुल क्लियरली इंडिकेशन दे दिया कि जब तक हम श्रीलंका नहीं बन जाएंगे, बैंक करप्ट नहीं हो जाएंगे, जब तक हम IMF के पास नया
लोन नहीं लेंगे। तो बिल्कुल क्लियर है, पाकिस्तान जहाँ एक तरफ बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, दिवालिया होने की तरफ जा रहा है, और दिवालिया जब हो जाएगा तो पाकिस्तान की आवाम त्राहिमाम कर उठेगी, क्योंकि हर चीज महंगी हो जाएगी। अभी आप खुद देखिए, पिछले एक साल पहले जो आपका पेट्रोल का रेट था 120-130 रुपए लीटर चलता था, अभी बोल लगभग 250-300 रुपए चला गया, 270 से ऊपर चला गया। तो पाकिस्तान की आवाम तो रोने पे मजबूर हो गई है, ना उनको कुछ शिक्षा मिल पा रही है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्या करना है, हिंदुस्तान से जंग करनी है। इसके लिए वो पाकिस्तान की आर्मी का जो बजट है ना वो बढ़ाया जा रही है। और रही आपके आवाम की बात, तो वे तो कुछ कर ही नहीं सकती है सिर्फ मीम बनाने के सिवा, और पाकिस्तानी मीम बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज तो मैं इस बात को बड़ा प्राउडली लूंगी कि आपने किसी चीज में तो माना कि पाकिस्तानी आगे हैं, पाकिस्तानी किसी चीज में तो चले दिमाग लगा लिया, किसी चीज में तो आपने माना कि इस चीज में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कुछ और करें ना करें अच्छा कर रहे हैं। हाँ ये अच्छा कर रहे हैं, और मैंने खुद ने भी बहुत सारे मीम्स देखे हैं जो पाकिस्तानी ने भी आर्मी के ऊपर बनाया है। और तो क्योंकि अब वो खुल के बोल भी नहीं सकते ना, नहीं तो उनको उठा के ले जाके बंद कर देंगे। और अभी पीटीआई सपोर्टरों के साथ में जो हाल हो रहा है, तो वही अब सबको आर्मी से डर लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी आप बोल रहे हो वो सिर्फ एक दिखावे की है, डेमोक्रेसी है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर, है डिक्टेटरशिप। और वो है पाकिस्तान आर्मी, और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अकेला सिर्फ आर्मी चीफ हैंडल करता, वो नहीं, जितने भी आपके जो आर्मी के अंदर जितने भी ऊंचे अहदेदार हैं वो सारे के सारे मिलके एक प्लान होता है, और ये प्लान 1947 से चलता आ रहा है। वो लोग ही पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं, और वही लोग पाकिस्तान को चलाते हैं, वही पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बनाते हैं। और ये जो जितने भी आपके पॉलिटिकल व्यूअर जो नेता लोग हैं, वो सिर्फ एक डमी के तौर पर बैठे हुए हैं दुनिया को दिखाने के लिए डेमोक्रेसी है। और रही आपकी अब दूसरे सवाल की बात कि पाकिस्तान के अंदर जो अभी रूस रशिया से सस्ता ऑयल आया है, इंडिया से रिफाइन होके गया है, तो वो तो ढकी छुपी बात है नहीं, पूरी दुनिया को पता चल चुकी है। अब तो पाकिस्तान के पत्रकार ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट की पोल खोल रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ की कितनी बेशर्मी है, कितना निकम्मापन है, उस बंदे ने पूरी इतना बड़ा ट्वीट किया है उसने, इतना बड़ा समझ लो आप कि भाई मैं रशिया से तेल ले आया, और अपनी पीठ थपथपाई है बहुत सारी, लेकिन उस बंदे ने एक बार भी अपनी आवाम को ये नहीं बताया कि पाकिस्तान में जो तेल आया वो इंडिया से रिफाइन हो गया। रशिया से तेल आया वो तो बता दीजिए, अब एक बात बताइए कितना नुकसान उठा रहा पाकिस्तान। मतलब वो कहते हैं ना कि एक बच्चा होता है जो बड़ा घमंडी टाइप का होता है, वो कहता है कि कुछ भी हो जाए बाप की मदद नहीं लूंगा, वो पुरानी फिल्मों में भी होते थे ऐसे, तो ऐसा ही बच्चा हमारा पाकिस्तान है, मदद नहीं लेनी लेकिन इनडायरेक्टली लेनी है। अब इसके अंदर जो मैंने आज ही इसके ऊपर वीडियो बनाया, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, लिंक भी दे देना, तो किस तरीके से भारतीय कंपनियों ने, यूए की कंपनियों ने पाकिस्तान के तेल से माल बनाया है। पाकिस्तान की सरकार बोल भी नहीं सकती, किसी को बता भी नहीं सकती। तो ये तो आपके पाकिस्तान की जो पॉलिसी चलाते हैं, तो उन लोगों का दिमाग सर इंडिया वाले इस बात पे बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं पाकिस्तान को कि ऑयल तो ले लिया बेटा, रिफाइन तो हमसे कराया ना क्या, तो क्योंकि पाकिस्तान के पास में इतनी देखिए जो हाई हिंदुस्तान के अंदर जो रिफाइनरी लगी हुई ना, वो पूरी दुनिया के अंदर टॉप के अंदर आती है, जामनगर की खास तौर से। तो अब आप देखिए पूरे यूरोप में नंबर सऊदी से ज्यादा तेल हमारा जा रहा रिफाइन होकर, क्यों जा रहा है, क्योंकि इंडिया के पास में इतनी सारी रिफाइनरी है और बेस्ट क्वालिटी की है, तभी तो यूरोप वाले माल ले रहे हैं। यूरोप वाले आपको पता है एक नंबर क्वालिटी माल चाहिए होता है उनको, समझ रहे हो आप, तभी तो रिफाइन तेल हमसे ले रहे हैं, सऊदी अरब से तो कच्चा तेल नहीं ले रहे वो। इसीलिए रशिया ने और पाकिस्तान के बीच में पहले ही अंदर ही तय हो गया था कि जो भी रिफाइनरी होगी वो हिंदुस्तान में होगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास में इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो भारतीय कंपनियों ने जिन्होंने रिफाइन किया उन्होंने पैसे कमाए, फिर यूएई में जो आपके जो दलाल बिचौलिए बैठे हुए थे उन्होंने पैसा बनाया, और पाकिस्तान के पास $17 या $19 का प्रति बैरल का खर्चा आया पाकिस्तान को, उसके अंदर से पाकिस्तान को $69 प्रति बैरल का $1 पड़ा है। बंटी जी मुझे एक बात बताएं, तो पाकिस्तान की आर्मी में, पाकिस्तान की सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है अपनी आवाम को ये बता दे कि भाई ये रिफाइन होके हिंदुस्तान से आया है, ये पहले हिंदू था तेल, फिर ये सऊदी अरब गया है, यूएई गया है, वहां से मुसलमान हुआ, उसकी खतना हुई है, फिर वहां से टैंक बदला गया है, टैंक बदलने के बाद में यूएई से फिर कराची पोर्ट पहुंचा है।
अब जो तेल आपके पास में आया है वो कलमा पढ़ के आया है, मुसलमानी करवा के आया है और पांचों वक्त की नमाज अदा करेगा वो, और पाकिस्तान की आवाम को जब मिलने लग जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की आवाम की पेट्रोलियम रेट में कुछ फायदा मिलेगा। और देखो दूसरी चीज, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो इसका पे किया ना अमाउंट, पाकिस्तानी रुपए में नहीं किया, ये होड़ तो भारत की करते हैं, लेकिन भारत ने आज तक जो भी रशिया से तेल आता है ना, भारत ने रुपए में पेमेंट किया है, हिंदुस्तानी रुपए में। और सऊदी अरब वो रशिया के बाद में इतना रुपया इकट्ठा हो गया है कि कहता है इतने रुपयों का हम करें क्या। लेकिन पाकिस्तानियों ने तेल किससे लिया? युआन से, चाइनीज करेंसी से। चाइना ने किस रेट पे पाकिस्तान को इंटरेस्ट पे दिया है आवाम को पता है? नहीं पता। रिफाइन होकर हिंदुस्तान से आ रहा है आवाम को पता है? नहीं पता। ये जो चीज़ें छुपा के रखते हैं और बैकडोर में गेम खेलते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, इससे ही पाकिस्तान का कभी भला नहीं होता, पाकिस्तान की आवाम का भला नहीं होता। उनको तो बस वो जिहाद का चूर्ण बेचे जाते हैं। क्या वजह लगती है आपको पाकिस्तान की आवाम को ये बात ना बताने की? क्या इसमें पॉलिटिशियंस का अपना कोई फाइनेंशियल फायदा है, या फिर पॉलिटिशियंस को अपनी अना को बरकरार रखना था? अपनी देखो बिल्कुल क्लियर है, ये तो अना को बरकरार रखने वाली बात है, क्योंकि इमरान खान ने बड़े चीख चीख के दावे किए थे, मैं रशिया से सस्ता तेल लाना चाहता था। और नो डाउट पूरे पाकिस्तान के अंदर आज सबसे पॉपुलर कोई लीडर है तो वो इमरान खान है। इमरान खान को मतलब उसको छोटा बनाने के लिए, उसकी बातों को कमजोर करने के लिए तो ये रशिया से तेल लेके आए, अपनी अना के ऊपर ही लाए जो आपने बात कही, क्योंकि इनके पास में कुछ है ही नहीं ना। इनका बैकग्राउंड तो पूरा भ्रष्टाचार, करप्शन और लूटमार से भरा हुआ है। इन्होंने पाकिस्तान से पैसा बनाया, लंदन में जाके शिफ्ट कर दिया। तो इमरान खान जैसे पॉलिटिकल लीडर को काउंटर करने के लिए खुश तो इनको ऐसा करके दिखाना था ना अपनी आवाम को कि हम इमरान खान से कम नहीं है। तो ये अना का ही मसला है पाकिस्तानियों का। तकसीम हो ना, अभी आप मतलब देख लें शुमाली कोरिया, देख लें जनूबी कोरिया, देख लें मशरकी जर्मनी देख लें, और मगरबी जर्मनी देख लें। वो उनकी मेरा मतलब आपस में उनकी बिल्कुल क्लैश रहते हैं। यूरोप में वर्ल्ड वार हो चुकी है तो वो तो इकट्ठे रहते हैं। कौन? यूरोप वाले इकट्ठे नहीं रह रहे, मिलके नहीं रह रहे, एक ट्रेन में पूरा यूरोप। आप कितने घंटे? मैं जर्मनी की बात कर रहा हूँ और शुमाली कोरिया की, वो तो खैर एशिया में आ गई, शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया की बात कर रहा हूँ। ऐसे चंद और भी लोग हैं समझ, क्योंकि जिस मुल्क की तकसीम हो ना, तकसीम हो जिस मुल्क की, वो मेरे ख्याल में कि वो इकट्ठे वो नहीं रह सकते, क्योंकि उनके उनके दिलों में नफरत होती है। आप क्या कहेंगे इस बात से? एग्री करते हैं अफगानिस्तान? आप मुझे बताएं कौन सा ऐसे मुल्क है जिनके आपस में इख्तलाफात नहीं होते? हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, हम बेहतरी की बात कर रहे हैं। चाइना हमारे दिमागों के अंदर एक ही चीज फंसी हुई है, बस वो वहाँ से निकलना नहीं, हमने बेहतरी की तरफ नहीं जाना, हमने पीछे ही जाना है। लेकिन पीछे ही जाना, आप जैसी सोच होगी मेरे, हम जब तक कोशिश करेंगे, जब मायूस होंगे फिर कुछ नहीं होगा। कोशिश करेंगे कि सोच बदली जाए, पाकिस्तान को आगे लाया जाए, पाकिस्तान की बेहतरी की बात की जाए, और वो बेहतरी तभी आएगी जब सच को एक्सेप्ट करेंगे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा, फिर कभी आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बंटी जी, एक तरफ पाकिस्तान बैंकक्रप्ट होने के बहुत करीब है, दूसरी तरफ आईएमएफ ने भी कर्जा देने से इनकार कर दिया, हाथ उठा लिया है पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर से। अब मुझे बताएं, पाकिस्तान के पास कोई और सॉल्यूशन नहीं बचा था इसमें, चाइना ने फिर से हाथ बढ़ाया मदद की। एक तरफ तो चाइना ये दिखाता है कि वो पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है, दूसरी जानिब आज तक पाकिस्तान को आस्तीन का सांप बन के डस्ता आया। ये ना सिर्फ हम कह रहे हैं बीइंग आवाम ऑफ पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया ये बात जानती है। क्या वजह है डिप्लोमेसी? चाइना तो पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है, श्रीलंका को उसने बर्बाद कर दिया। चाइना जहाँ एक बार एंटर हो जाता है, चाइना वो शॉप की तरह है, वो पूरा उस जगह को घेर लेता और उस जगह को तबाह और बर्बाद नहीं कर लेता जब तक उसका पूरा खून ना चूस ले, तब तक वो नहीं निकलता है। तो पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए अगर कोई चीज़ है तो वो है चाइना। जो कहते हैं ना पाकिस्तानी शहद से मीठी, आसमान से ऊँची, समंदरों से गहरी, तो वही चाइना तुम्हें क्या थोड़ा बहुत लॉलीपॉप दे देता है टॉफी बिस्कुट खाने के लिए। अभी जैसे $1 बिलियन दे दिया, वो पूरे पाकिस्तान में भंगड़े पा रहे हैं। और मैं देख रहा था कुछ न्यूज़ चैनल तो बड़े खुश होकर बता रहे कि चाइना ने अपनी दोस्ती का हक अदा किया, ये किया हमारे पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में, $5 बिलियन से ऊपर चला गया है हमारा फॉरन रिजर्व। तो पाकिस्तान ये बात जब तक समझेंगे नहीं ना पाकिस्तानी और पाकिस्तान के लोग कि चाइना हमारे को यूज कर रहा है। जिस दिन चाइना का मतलब पूरा हो गया, वो सिर्फ एक इंडिया से
जो कहते हैं ना दोस्त का दुश्मन दोस्त होता है, तो सिर्फ इंडिया दुश्मनी के ऊपर चाइना पाकिस्तान को इतना सपोर्ट करता है। जिस दिन भारत और चाइना एक हो गए और उनमें समझौता हो गया, बिजनेस तो आज भी चालू है लेकिन बॉर्डर पे कुछ ना कुछ क्लेश चल रहा होता है, अगर वो शांति हो जाती है तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा? तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए, कल को चाइना और भारत दोस्त बन जाते हैं वापस से और एक पेज पे आ जाते हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान ने बोला, आपने बोला अगर भारत और चाइना दोस्त बन जाते हैं, आप ये भी तो बोल सकते थे अगर भारत और पाकिस्तान दोस्त बन जाते हैं तो। भारत और पाकिस्तान दोस्त बन जाता तो अगर दोस्त बनना कौन नहीं चाहता, ये पाकिस्तान ही नहीं चाहते। पाकिस्तान ने व्यापार बंद किया था जो थोड़ा बहुत हो रहा था, नमक टमाटर। पाकिस्तान से तो बिलावल भुट्टो जी ने भी बयान दिया है कि हम पीस टॉक के लिए एग्री हैं अगर 370 एब्रोगेशन जो है वो तब्दील हो जाए दोबारा कश्मीर अच्छा। के अंदर दोबारा जब कश्मीर के अंदर 370 अच्छा। आर्टिकल दोबारा आ जाए तो फिर हम पीस टॉक के लिए तैयार हैं। ये बिलावल भुट्टो जी का बयान है। मैं बिलावल भुट्टो जी को ये बोलना चाहूंगा, हलवा पकाए, जाके हलवा पकाए, मतलब 370 हटाएंगे और फिर इनके साथ बात करेंगे। मतलब जो टेररिस्ट एक्सपोर्ट करता हो उस कंट्री का प्रवक्ता, विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर हमें ये बोल रहा है कि पहले हटाओ फिर बात करेंगे, तो भैया तुम चाहिए ही नहीं हमको, हम तुम भूखे ना मुझे, हमारा क्या गुजारा चल रहा है इतने साल तक, जब बल्कि हम तो ग्रो करते जा रहे हैं ना, पीछे कौन जा रहा, तुम लोग जा रहे हो। तुमको सोचना चाहिए, तुमको पीछे जाना चाहिए, ना कि हिंदुस्तान को चैलेंज करना चाहिए। और रही बिलावल भुट्टो की बात, तो अभी यूएन के अंदर थोड़ा टाइम पहले उन्होंने क्या कहा था मोदी जी के बारे में, ये पीस टॉक की बात करने वाले इस टाइप की जुबान की बात करते हैं क्या? पीस टॉक की बात करने वाले इस टाइप की जुबान की बात करते हैं ना, पूछ रहा वो भी यूनाइटेड नेशन में बैठ के बोलने वाला बोलता बंदा, तो उससे पीस टॉक की उम्मीद रखेंगे? पाकिस्तानियों से शांति की उम्मीद रखना है, शांति की बात करना पीठ में छुरा खाने के बराबर ही है। तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के साथ शांति होगी। और 370 और 370 तो मोदी जी कभी हटाएंगे नहीं, ना हिंदुस्तानी कभी हटने देंगे। ओके बंटी जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत अच्छा लगा आपकी राय जानकर। जहां तक बात है आर्टिकल 370 की, तो वो नो डाउट कश्मीरी बहुत खुश है उस पे, तो अवाम का हिस्सा होने के नाते हम भी नहीं चाहते कि अवाम के ऊपर से वो दोबारा लागू कर दिया जाए, क्योंकि जी हाँ, मैं कश्मीर की बात चली है तो हाँ, 370 की आपने कश्मीर का जिक्र किया, तो कश्मीर 370 हटने के बाद में रिवाइव हो रहा है। और देख, अगर आप भी कश्मीरियों से बातचीत करते हैं, आप भी कश्मीर के वीडियो देखते हैं, आप खुद ही देखिए ना पहले के कश्मीर की कैसी फोटो आती थी और आज के कश्मीर की कैसी फोटो आती है। एक भी हिंदुस्तानी ये नहीं चाहता है कि 370 हटे। हमारे देश में कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो अपने अपने वोट बैंक को लुभाने के लिए जरूर थोड़ा बहुत ऐसे बोलते हैं, बाकी कोई एवरी इंडियन जो नागरिक है वो नहीं चाहता ऐसा। ये बंटी जी, और हम भी अवाम होने के नाते और एक पीसफुल अवाम होने के नाते ये नहीं चाहते कि वो चीज हो जो वहाँ के लोग खुद नहीं चाहते अपने लिए। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? तनवीर अहमद। तनवीर भाई क्या करते हैं? मेरा ये गारमेंट्स का काम है, स्टॉल का काम है। ठीक है, मुझे ये बताएं, रशिया से ऑयल आ गया है तो अब तो ऑयल की कीमतें कम हुई होंगी पाकिस्तान में, कितनी कीमत कम हुई है? कम तो कोई नहीं हुई, ये भी एक बयान ही सुना था वज़ीर आज़म का या वो वज़ीर पेट्रोलियम सदक मलक का। हाँ हाँ। लेकिन मेरे ख्याल में अब मे भी वो तेल आने का मकसद ये नहीं है कि वो आपको पेट्रोल पंप पे या सप्लाई शुरू हो गई है, उसकी रिफाइनरी भी मेरे ख्याल में होनी होती है। ठीक है, रिफाइनरी भी हो चुकी है यहाँ पाकिस्तान में, खबर के मुताबिक आ चुका है। क्या पाकिस्तान में पहले तो ये बताएं, रिफाइनरी मशीनें या इस तरह का सेटअप मौजूद है कि पाकिस्तान में हम रशियन ऑयल को रिफाइन कर सकें? देखिए, अगर ये तो पॉलिसी मेकर को पता, अगर उन्होंने मंगवाया तो कोई ना कोई होगा, लेकिन वो जो आप देखें ना, ये कहते हैं रशिया से सस्ता तेल मिलता है, लेकिन वहाँ से पाकिस्तान पहुँचने तक जो कास्ट आती है, अगर वो भी बीच में ऐड कर रहे हैं, इसी तो... में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सस्ता तेल रशिया से मिलता है। अभी रशिया के मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया, हमने कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं दिया पाकिस्तान को, जो इंटरनेशनल लेवल पे हम जो दे रहे हैं उसी रेट पे हमने दिया, ठीक हो गया। हम ईरान से क्यों नहीं ऑयल ले लेते, अगर हमें मतलब ये है कि कॉस्ट भी कम पड़ जाए? देखिए, ईरान तो हमारा हमसाया मालिक है, आपको पता है कि वो उन पे जो अमेरिका ने एक्सटेंशन लगाई हुई है और वो दूसरे मुल्कों को उनके साथ वो उस पर वायदे होते हैं, नहीं डील नहीं होनी देती, और हम माशी तौर पे इतने स्ट्रांग भी नहीं है कि हम जाते खुद उनसे डील कर सकें। ओआईसी किस लिए है, इस्लामिक कंट्रीज का ग्रुप किस लिए है कि एक नेबर कंट्री है, मुसलमान ब्रदर कंट्री है, उसे हम डील नहीं कर सकते, और चाइना आके उससे आई ले रहा है, इंडिया आके उससे आई लेके जा रहा है, और हम जो उनसे वो नहीं ले पा रहे। वो आपको सारा पता है, सारे पब्लिक भी अब सब जानते हैं कि ये वो देखे चाइना और आप इंडिया की एग्जांपल देते हैं, लेकिन ये देखे वो माशी तौर पे कितने स्ट्रांग है, वो अपने फैसले करने में खुद कफील है।
हम देखें आप एक साल से आई एम एफ के चक्कर में से हमें वो 1,02,000 या 1,02,000,000 डॉलर वो किस्त नहीं मिला, हम माशी तौर पे कमजोर हैं। आपने बोला कि चाइना और इंडिया की एग्जांपल देते हैं वो इकोनॉमी वाइज कितने स्ट्रांग है, मुझे ये बताएं चाइना कब बना, मतलब एज ए कंट्री कब, एज ए कंट्री वो हमसे भी एक साल बाद बना है, लेकिन देखें एक वो आबादी बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी में हर लिहाज में अब मेरे ख्याल में दुनिया की सबसे बड़ी मीशत वो है। नहीं नहीं सबसे बड़ी मीशत वो नहीं है, लेकिन इंडिया की बात करें वो कब बना, वो कब, लेकिन वो देखें 2000 जब 2000 आया ना हम तकरीबन इक्वल थे इंडिया और हम, इतना फ़र्क नहीं था, लेकिन जब वहाँ मनमोहन सिंह की आई हुकूमत उन्होंने इकनॉमिक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसको मोदी ने भी अडॉप्ट किया, वो आईटी यूनिवर्सिटीज बनाई और वो 20-25 साल में एक पॉलिसी को लेके चल रहे हैं, हमारे इधर साल बाद 2 साल बाद तो गवर्नमेंट खत्म हो जाती है। तो फिर इसका ये बात करें ना आप, ये जब अगर किसी से बात करें कि चाइना क्यों ले रहा है, इंडिया क्यों ऑयल ले रहा है, तो वो कह देता है जी वो इकॉनमी बड़ी है, उनका प्रेशर, उनको ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है। ये बात करने की ये बात करनी चाहिए कि भाई हमारी अपनी खामियों की वजह से हम ऑयल, खामियां भी यही है ना, आप देखें इधर हम जो है ना हमारी जो एक एस्टेब्लिशमेंट और एक पॉलिटिकल क्लास, ठीक है, ये अपने मुफादात देखती है, मुल्क का नहीं सोचती। अगर सियासतदान को एक होके बैठना पड़ेगा, एक पॉलिसी बनाना पड़ेगी, आया इमरान खान आए, नवाज शरीफ आए, आसफ जरदारी आए, माशी पॉलिसी एक होगी, वाम को इस बार सियासत नहीं होनी चाहिए, ठीक हो गया। वो अब अपनाएंगे तो हम 10-15 साल इस अपने स्टैंड पे कुछ खड़े होंगे। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह साहब, उन्होंने क्या ऐसी, आपने बोला कि उन्होंने एक ऐसा सेटअप बनाया, उन्होंने एक मतलब प्लेटफॉर्म बनाया, क्या ऐसा उन्होंने पॉलिसीज बनाई जिसकी वजह से वो बेहतरी आई? देखें वो जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, इधर वार ऑन टेरर था अफगानिस्तान में, और अमेरिका से हमारे पास भी डॉलर आए थे, हमारी भी इकानमी मजमू तौर पर एक ऊपर स्ट्रांगी थी, लेकिन उनकी इकानमी जो है वो एक पैरेलल स्ट्रांग गई है कि एक पॉलिसी के मुताबिक हमें अमेरिका से डॉलर तो आ रहे थे लेकिन हम कमा नहीं रहे थे, इंडिया वाले डॉलर को जनरेट कर रहे हैं, आईटी का शोभा देख ले, उधर गाड़ियां बन रही हैं, मोबाइल बन रहे हैं, जब तक हम पैसा कमाएंगे नहीं, अगर बाहर की एड पर ध्यान रखेंगे, आया इधर आप मातरी मोहम्मद आ जाए, नेल्सन मंडेला आ जाए, ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। हाँ बिल्कुल, उस टाइम पे शायद कुछ लोगों को ये लग रहा था कि हम इंडिया से आगे जा रहे हैं क्योंकि हमारी हमारे डॉलर आ रहे थे, ये नहीं पता था कि डॉलर हमें एड की सूरत में आ रहे हैं, जबकि वहाँ पे जो डॉलर बन रहे हैं वो जनरेट किए जा रहे हैं, वो अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। अब ये चीज़ सामने आ चुकी है सोशल मीडिया की वजह से, ओवरऑल लोगों में ये अवेयरनेस आ चुकी है कि भाई जो हम अगर किसी टाइम में इंडिया से आगे या थोड़ा बराबर रहे हैं या आसपास रहे हैं, वो हमें बाहर से डॉलर आते थे इस वजह से रहे हैं, तो अब अमेरिका हमें क्यों नहीं डॉलर दे देता? देखिए अमेरिका हो या चाइना हो, ये देखें ये मुल्कों के अपने इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है? जब वार ऑन टेरर पे उनको इंटरेस्ट था, अफगानिस्तान में उन्होंने उनके फौजी थे, उनको इधर सप्लाई भी चाहिए थी, और हमारे देखे कितनी शहादतें भी हो गई, वो अपने मतलब के तौर पर हमें एड दे रहा था, अब उनको हमारे साथ मतलब कोई नहीं है। देखे अब IMF जो है वो सब जानते हैं कि अमेरिका का होल्ड है, वो हमें IMF से वो वजीर आजम कह रहा था सारी शर्तें भी मान ली है, लेकिन फिर भी नहीं पैसे मिले, फिर भी पैसे नहीं दे रहा। हमने फिर वक्ती फायदा किया ना, अगर वार ऑन टेरर की बात करें, अगर अफगानिस्तान की बात करें, हमने अपने नेबर कंट्री से दुश्मनी भी पाली, उन्हें नाराज भी किया, जानों का भी ज़िया हुआ, अपनी जानें हमारी जोन सी 80,000 के करीब हमारी जोन से जवान हैं वो शहीद हुए, उनकी जानें गईं, तो आज हम इस पोजीशन में हैं कि हमें वो अमेरिका जिसके कहने पर हमने ये सब कुछ किया या जिसकी सपोर्ट के साथ ये सब कुछ किया, वो आज हमें हाथ नहीं पकड़ा रहा, वो आज इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बनाए हुए हैं। देखिए वो इंडिया के साथ कोई उनकी रिश्तेदारी नहीं है, ये कंट्री टू कंट्री इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, हमारे टाइम टू टाइम इंटरेस्ट होते हैं। अब चाइना भी अगर हमें एड दे रहा है या हमारे में इंटरेस्ट ले रहा है, तो उसने उसको हमारे में इंटरेस्ट है, ये दोस्ती ये जो है ना हमें खुश करने के लिए है, ये यानी ये जो आयरन फ्रेंड कहा जाता है को हिमालिया से ऊंची दोस्ती कहा जाती है, ये मतलब की दोस्ती, मतलब की ये मुल्कों के इंटरेस्ट होते हैं। देखें अभी चाइना को क्या इंटरेस्ट है ना, चाइना को मतलब ये कोई चीज इस तरीके से एक्सपोर्ट कर रहे हैं इतने लेवल पे जी वो चाइना मजबूर है पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करने में, सवाए खित्ते को लेके जमीनी जो एक सारी पॉलिटिक्स है उसे लेके। उसमें 3 मेजर फैक्टर हैं, सबसे पहले है कि CPAC ठीक हो गया, वो पाकिस्तान से गुजरना है और उसके लिए उसको पाकिस्तान की जरूरत है, दूसरा इस वक्त हमारी सबसे ज्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चाइना में है, और तीसरा सबसे जो मेजर इशू है कि इंडिया जो तरक्की कर रहा है वो चाइना का भी दुश्मन है और हमारा भी दुश्मन है, और वो इंडिया पे एक प्रेशर लेवल रखने के लिए भी हमें सपोर्ट करता है, ठीक हो गया, प्रेशर रखने के लिए चाइना हमें सपोर्ट करता है। हम ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बना लेते कि भाई चाइना तुम आप भी हमारे फ्रेंड हो, US हमारा फ्रेंड है, इंडिया भी हमारा फ्रेंड है, हम क्यों किसी की पहले अमेरिका के चक्कर में आए, अफगानिस्तान से रिलेशन खराब किए, अब चाइना के चक्कर में इंडिया से रिलेशन, लेट्स सपोज अगर आपके बकौल खराब नहीं, इंडिया से तो पहले ही ऑलरेडी हमारे जब से मुल्क बना है वो खराब है, लेकिन ये लोग अपने इंटरेस्ट देख के उतनी उतनी सपोर्ट करते हैं। देखें अब ये जो हमारे OIC जो इस्लामी ममालक भी हैं या चाइना भी है, ये हमें बस उतना कर ना हमें जीने देता है ना मरने देता है, हमें इस चीज़ से जब हम बाहर आएंगे अपने पैरों पे खड़े होंगे
फिर हमें ना सऊदीया की जरूरत पड़ेगी, ना अमेरिका की, ना इंडिया की। जबरदस्त। और पैर, ये मेरा भी यही कहना है कि पैरों पे खड़े, और पैरों पे तभी शायद खड़े होंगे सर, आप इसे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, कि जब हम किसी को साइड नहीं लेंगे, किसी ग्रुप में नहीं जाएंगे, अपनी न्यूट्रल पॉलिसी रखेंगे, और जिसके साथ पाकिस्तान पब्लिक की जो बेहतरी होगी उसके साथ रिलेशन। वो न्यूट्रल पॉलिसी भी तब आ गई, वो कहते हैं ना हमारे पंजाबी में, आप पाकिस्तान का जिदे घर दाने वे कमले भी सियाने। जब तक हम माशी तौर पर स्ट्रांग नहीं होंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं होगी, फिर हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे। अगर हम देखें हर 6 महीने बाद कुछ कोल लेके चले जाएंगे, फिर हमें चाइना और सऊदीया और जो तुर्की, इन्हीं लोगों की तरफ देखना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि हमें ईरान से रिलेशन बेहतर करने चाहिए? एक तो इस्लाम देखें, वैसे तो सब कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए, मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट यही कहता हूँ, ठीक है, लेकिन हमें पाकिस्तानियों को समझाने के लिए कि भाई इस्लामिक कंट्री तो इस्लामिक कंट्री है, उससे आए ले लो, रशिया से क्यों, वो तो नॉन मुस्लिम है। देखिए आप, अगर वो आपने इसमें अमेरिका का बड़ा, जब तक हम अमेरिका के जंगल से नहीं निकलेंगे। नहीं, वो आपको बात समझ आ रही है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये पब्लिक को बात क्यों नहीं समझ आती कि ईरान इस्लामिक कंट्री भी है, मुस्लिम ब्रादर भी है, उससे हम ऑयल नहीं ले रहे, रशिया से ऑयल ले रहे हैं। वो उस पर एक्सटेंशन भी है, और दूसरा मेरे हिसाब से सऊदी अरब का प्रेशर भी शायद में भी हो, क्योंकि उन दोनों मुल्कों के आपस में, लेकिन अब तो उनके भी आपस में वायदे हो गए हैं। लेकिन शिया सुन्नी को लेके सऊदी और ईरान की तो चाइना ने दोस्ती करवा दी, आपको खबर है? हाँ, वो उसी वजह से मैं देख रहा हूँ, वो हमें भी चाहिए स्टेप लेना, लेकिन वो हम कैसे लें? चाइना ने दोस्ती अगर करवाई है तो हमारे से हमें ऑयल क्यों नहीं लेके दे रहा? ऑयल में वो देखे इंटरनेशनल आ जाता है ना, उस पर एक्सटेंशन है। जब तक वो एक्सटेंशन नहीं हटेंगे, अगर हमने अगर हम देखे अब ईरान के साथ अगर मुआहदा करते हैं, अमेरिका हम पे एक्सटेंशन लगा देगा, तो हम 27-28 अरब की जो एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हमारी अमेरिका के साथ, अच्छा, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जो सामान जाता है वो अमेरिका से जाता है, अगर वो उस पर पाबंदी लगा देंगे तो हमारा हालात मजीद जो है ना, लेके भी क्या, इसलिए सारे मामला को देखना पड़ता है। और सबसे मेजर इशू यह हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, और ये वीडियोज का, ये प्रोग्राम का, पब्लिक का मकसद ये है कि अवेयरनेस लाइए। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, बहुत शुक्रिया जी, वेलकम।